सो ही गजरे कैसे हो, वेलकम बैक मेरे अंदर न्यू वीडियो। तो भाई अब क्या गया फिर से न्यू वीडियो के साथ। तो गजरे कैसे हो, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अब यार आज के वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग अभी बात करने वाले हमारा जो नेक्स्ट मूवी 35 का अपडेट आने वाला, जिससे रिलेटेड काफी सारे गुड न्यूज एंड यार अपडेट आप लोग को मैं अभी बताने वाला हूँ। एंड यार सबसे फर्स्ट अपडेट एंड गजरे गुड न्यूज के बारे में बात करें तो कल आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ रहे थे क्या रेड किंगडम रिटर्न में आने वाला है टॉप वर्जन किंगडम का। तो देखो कंफर्म हो चुका है, एंड पता ही आपका भाई ना जाने कितने वीडियो में आप लोग को बता रखा है कि एनिवर्सरी के टाइम पे किंगडम बंडल गेम के अंदर रिटर्न में आने वाला। एंड यार इसके साथ साथ एक और भी आप लोग को किंगडम बंडल हमारे गेम के अंदर न्यू वर्जन में रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। एंड देखो इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले आज वीडियो के अंदर, साथ ही गजरे बात करने वाले नेक्स्ट ओवी अपडेट में आने वाले इंक्रेडेड गन स्किन के बारे में। दो दो इवो गन स्किन आने वाले हमारे गेम के अंदर, एक होने वाला AN-94 का, साथ ही गजरे एक होने वाला है हमारे M1A1 का। इसके साथ साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे जो एनिवर्सरी के आने वाला है जिसमें मिलने वाले कुछ फ्री के रिवार्ड के बारे में। जैसे कि आपको पता है जब भी एनिवर्सरी इवेंट हमारे गेम के अंदर डाला जाता है आप लोग को ढेर सारे फ्री के रिवार्ड दिए जाते हैं। अब यार वीडियो को आज पूरा आप लोग जोर से देखिएगा, साथ ही वीडियो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही नोटिफिकेशन कोड पे सेट कर रख लो कि आपका भी पार्ट ऐसे ही फिर फायर सेलेक्टेड वीडियो आपके लिए लाता रहता है कंफर्म न्यूज एंड गजर कंफर्म अपडेट्स के साथ। तो यार वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस वेलकम बैक अगेन। तो हम बात करने वाले काफी सारे अपकमिंग अपडेट एंड गाइस इवेंट्स के बारे में। देन यार सबसे पहले यहां पे बात करते हैं आज के ट्यूनर अपडेट के बारे में। आज रात 12 बजे के बाद आप सबको गेम के अंदर क्या कुछ रिवर्ड देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सबको कल के वीडियो में मैंने बताया था गेम का अंदर स्टार्ट हो सकता है आज से हमारे गेम के अंदर बैटल ऑन द स्टार्ट का इवेंट। तो देखो स्टार्ट नहीं किया गया, इसका सबसे बड़ा रीजन है रैम्पेज का एक ऑलरेडी इवेंट हमारे गेम के अंदर फिलहाल चल रहा है। रैम्पेज इवेंट से रिलेटेड जो इवो बंडल है जिसका टोकन टावर आज हमारे गेम के अंदर एंड हो जाएगा, जिसके बाद कल से आप सबको बैटल ऑन द स्टार्ट इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने मिल जाएगा। कल से हमारे गेम के अंदर बैटल ऑन द स्टार्ट इवेंट से रिलेटेड आप लोग को बेब इवेंट, साथ ही गजरे कैलेंडर हमारे गेम के अंदर देखने मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को ढेर सारे रिवार्ड यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखो इस आने वाले इवेंट के अंदर ज्यादा कुछ खास रिवार्ड तो आप लोग को नहीं मिलने वाला है, बस यहाँ पे एक बंडल मिलने वाला है, साथ ही गजरे एक इमोट आप लोग को कंफर्म यहाँ पे इस वाले इवेंट के अंदर मिलने वाला है। फिलहाल हमारे गेम के अंदर इस ओबी अपडेट से रिलेटेड 2-3 इमोट बचा हुआ है, 7 से 3 इमोट बचा हुआ है, जिसमें तो एक इमोट ऑलरेडी कंफर्म है नेक्स्ट आने वाले मोको स्टोर के अंदर आप लोग को देखने मिल जाएगा। इसके बाद बचा हुआ है 2 इमोट, जिसमें से एक इमोट आप लोग को बिल्कुल फ्री में देने वाला है गेना, और एक इमोट आप लोग को किसी टॉप इवेंट के अंदर लाकर गेना रखने वाला है। अब देखो हमारे बैटल इन द स्टाइल इवेंट से रिलेटेड कैलेंडर डिनर सर्वे के लिए निकल कर नहीं आया है, तो मैं आप लोग को फेक अपडेट यहाँ पे नहीं देना चाहता। इनमें से दोनों में से कौन सा इमोट आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, इमोट का जो कन्फर्म है, बट यार दोनों में से कौन सा मिलने वाला है जिसके बारे में खुद कन्फर्म नहीं हो। तो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेम के अंदर आने वाले कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट एंड गाइस इवेंट्स के बारे में। अगर पता होगा आप सभी को तो मैंने आप लोग को काफी पहले से बता रखा था कि हमारे गेम के अंदर 5th एनिवर्सरी के टाइम पे किंगडम बंडल कन्फर्म रिटर्न में आने वाला है। अब आपके भाई ने आप लोग को अपडेट दिया था ट्रॉपिकल फ्लोर के बारे में कि हमारे इस मंथ आने वाला है रिटर्न में, 10 से 12 तारीख तक अपडेट दिया था, बट यार इवेंट तो गेम के अंदर आने वाला था लेकिन यार ग्लिच के कारण इवेंट को थोड़े टाइम के लिए डिले कर दिया गया है। अब देखो जितने सारे अपडेट रहते हैं 90% कंफर्म ही रहते हैं, जिसके बाद ही मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यार बात करने वाले हैं किंगडम बंडल के बारे में, जिसके बारे में आप लोग काफी टाइम से मेरे से पूछ रहे थे। वो गेम के अंदर आने वाला है 5th एनिवर्सरी इवेंट आने वाला है, जिससे रिलेटेड काफी सारे बंडल रिटर्न में आने वाले हैं काफी सारे सर्वर के अंदर। यार कल के वीडियो में आप लोग को बताया था कि इंडियन सर्वे के लिए भी गेना कुछ अच्छा प्लान करके रखा है। देखो टॉप का किंगडम तो रिटर्न में आने ही वाला है, साथ ही गजर आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर किंगडम बंडल से रिलेटेड आप लोग को एक न्यू बंडल भी देखने को मिलने वाला है, जिसका कुछ रिजन आप लोग को चेंज देखने को मिलने वाला है। एडवांस सर्वर में एक फाइल मिला है जिससे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बंडल अभी कंफर्म नहीं है कैसा होने वाला है इसका लुक लिए यहाँ पे देख सकते हो। इसके नेम में आप लोग को टॉप किंगडम देखने को मिल रहा है, ये टॉप किंगडम का ही कोई अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है जो आप सभी को 5th एनिवर्सरी के टाइम पे रिटर्न में डाला जाएगा। एंड पता है जब भी कोई इवेंट हमारे गेम इधर डाला जाता है उस वाले इवेंट से रिलेटेड जितने सारे ओल्ड वाले बंडल एंड गजर गन स्किन है गेना उसे कंफर्म गेम के रिटर्न में डालता है। तो आने वाला है न्यू किंगडम बंडल, तो यार ओल्ड वाले तो कंफर्म रिटर्न में देखने में मिलने वाला है। अब देखो कंफर्म नहीं है, इंक्वेटर सेक्शन में ही गेना इसे रिटर्न में लाने वाला है, हो सकता है कोई बेब इवेंट में लाया जिसमें आप लोग को अच्छे खासे डायमंड यहाँ पे लगने वाला हो। काफी पहले से मुझे लग रहा था कि किंगडम बंडल को गेना इंक्वेटर सेक्शन में रिटर्न में ला सकता है, बट फिलहाल इस अपडेट को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आने वाले बेब इवेंट के अंदर ही आप लोग को ये बंडल रिटर्न में देखने में मिलने वाला है। अभी इतने से डिटेल्स पे आप लोग शॉक मत होना, अभी और भी कुछ बताने हैं आप सभी के लिए। तो हर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, एंड यार साथ ही अगर चैनल पे नहीं आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन क्लब सेट कर रख लीजिएगा। यार 1,80,000 के बहुत करीब है हम लोग, तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके 1,80,000 तक फैमिली कंप्लीट कर दो। अगर जितने सारे रेगुलर व्यूअर देख रहे हो सके तो फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेम के अंदर आने वाले और भी काफी सारे अपकमिंग अपडेट के बारे में। आने वाले इस नर्सरी इवेंट के अंदर गेना फुल पनाल बना रखा है लूटने का हम सीखो, क्योंकि यार इस वाले अपडेट के अंदर आप लोग को 2-2 इवो गन स्किन रिटर्न में देखने मिलने वाला, सॉरी रिटर्न नहीं न्यू आने वाला है। कल वाले वीडियो में आप लोग को डेट दिया था कि हमारे गेम के अंदर M1A1 का गन स्किन आने वाला है ड्रैगन बैरियर के नाम से, जिसका तो अपडेट कंफर्म हो चुका। साथ ही एक और भी वो गन स्किन है जिसके बारे में भी आज
आज अपडेट आप लोग को मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। गजर आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को एमएंड 7 का गन स्किन तो देखने को मिलने वाला है, साथ ही गजर आप लोग को AN94 का भी इवो गन स्किन देखने को मिलने वाला है। अभी यार देखो किसी भी गन स्किन को गिरना इवो में डाले, बट जो AN87 का गन स्किन आने वाला इवो में भाई समझ रहे काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि AN87 का अगर इवो में डाला जाएगा तो फेटल प्रिंट तो कन्फर्म आने ही वाला है। एंड अपग्रेड करने के बाद जितने सारे शॉर्ट गन लेवल है तो भाई समझ रहे कत ही जहर मजा आने वाला है गेम के अंदर। तो अगर दो गन स्किन आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर इवो में, साथ ही गजर देखो आने वाला जो दोनों इवो गन स्किन है जिसके अपडेट में यहाँ पे आप लोग को दे दिया हूँ, बट यार कौन कौन से इवेंट में आने वाला जिसके बारे में भी आप लोग को मैं अपडेट देने वाला हूँ। देखो जो आने वाला AN87 का गन स्किन वो हमारे एनिवर्सरी के टाइम पे आप लोग को देखने मिल जाएगा। आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को दो कोलैबोरेशन रन करने वाला है गेम के अंदर। सबसे पहला जो कोलैबोरेशन होने वाला है फिफ्थ एनिवर्सरी के टाइम पे जस्टिन बीबर के साथ किया गया है, जो आप लोग को देखने मिलने वाला है। साथ ही अगर थोर के साथ भी कोलैबोरेशन मैंने आप लोग को काफी पहले से बता रखा है, थोर रैंगरोक के साथ भी कोलैबोरेशन होने वाला है जिससे रिलेटेड भी आप लोग को इवेंट गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। आने वाला हमारा इवेंट सन का जो गन स्किन है एनिवर्सरी के टाइम पे देखने मिल जाएगा। एंड थोर के साथ जो कोलैबोरेशन आने वाला है जिस टाइम आप लोग को हमारा A94 का गन स्किन रिटर्न में देखने मिल जाएगा। सॉरी यार न्यू में आने वाला बार बार मैं यहाँ पे रिटर्न बोल रहा हूँ। आई मीन कंफर्म हो जाएगा कि आने वाला हमारे अगस्त के मंथ में आप लोग को एक ही वो गन स्किन देखने मिलने वाला है। इसके बाद आने वाले मंथ में आप लोग को एक और भी वो गन स्किन देखने मिल जाएगा, जैसा कि इस वाले अपडेट के अंदर गणना ने किया है। करीब MP5 आने वाला है जल्दी इस मंथ ही आपको गेम के अंदर, जल्दी एक से दो दिनों के अंदर इसका भी इवेंट कंफर्म हो जाएगा, जिसके बारे में आप लोग को आने वाले वीडियो के अंदर यहाँ पे कंफर्म अपडेट आप लोग को दे दूंगा। गन स्किन के बारे में यहाँ पे बात कर लिया है, आने वाले नेक्स्ट इंक्वेटर के बारे में भी आप लोग को बता दिया हूँ कि आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को हमारा AWM गन स्किन के लिए इंक्वेटर देखने मिलने वाला है। ओम के लिए नेक्स्ट इंक्वेटर आने वाला है। स्किन का अपडेट आप लोग को आने वाले वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी एडवांस पर ओपन हुआ है, काफी सारे फैल अभी ऐड नहीं किए गए हैं। थोड़े टाइम के लिए वेट कर लीजिए, आपका भी आप लोगों को अपडेट लाकर देने वाला है। बट हाँ यहाँ पे जितने सारे अपडेट मैं आप लोग को दे रहा हूँ 2000% यहाँ पे कंफर्म है, जितने सारे अपडेट है यहाँ पे 100% कंफर्म अपडेट आप लोग को आपका भाई दे रहा है। वीडियो को देख रहे हो तो भाई लाइक तो बनता ही है, देखो दो बार लाइक करने के लिए बोल चुका हूँ, सॉरी 3 बार बोल चुका हूँ, लाइक आप लोग जोर से कर दीजिएगा। अच्छा लगता है यार अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। फिलहाल का वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेम के अंदर आने वाले कुछ और भी अपडेट के बारे में। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कल मेरे वीडियो के अंदर कि भाई कोई इवो बंडल भी आने वाला है क्या नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तो देखो इवो बंडल से रिलेटेड कोई न्यू अपडेट तो फिलहाल नहीं आया है, और कुछ बंडल का लीक्स भी आया है जिसमें इवो बंडल का भाई दूर दूर तक कोई पता नहीं है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर इवो बंडल नहीं रखने वाला है गिरना। हाँ इसके बाद का जो अपडेट आने वाला है जिसमें से इवो बंडल हो सकता है, देखो अभी ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है, एक से दो दिन वेट कर लीजिए, कुछ और भी क्लियर अपडेट आपका भाई आप लोग को दे देगा। साथ ही आप लोग पूछ रहे थे एनलिक बेस इवेंट के बारे में कब आने वाला है हमारे गेम के अंदर। तो यार एनलिक बेस इवेंट को भी पोस्टपोन करके एनिवर्सरी के टाइम पे कर दिया गया है। एनलिक बेस इवेंट आप लोग को एनिवर्सरी के टाइम पे गेम का देखने मिल जाएगा। गजर आने वाले हमारे नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को MP5 का एक गन स्किन देखने मिलने वाला है। देखो इवो गन स्किन नहीं होने वाला है, क्योंकि इवो गन स्किन के अंदर काफी सारी इफेक्ट एंड गजर काफी सारे इमोट आप लोग को देखने मिलते हैं अटैच में। गजर एक थीम गन स्किन होने वाला है जिससे रिलेटेड ग्लोबल का स्किन यहाँ पे निकल के आ चुका है। साथ ही गजर यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड है, इसके बारे में आप लोग को इसलिए अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी MP5 का एक इवो गन स्किन चल रहा है। अगर आप लोगों को इवो गन स्किन को नहीं निकाले हो तो साथ से आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर जो आने वाला गन स्किन है उसे आप लोग निकाल सकते हो। गजर इस मंथ आने वाला हमारे गेम के अंदर आपसे को देखने मिलने वाला है एक न्यू मिस्ट्रॉप जो इंडियन सर्वे के लिए होने वाला है। आप लोग मिस्ट्रॉप का जो लुक है यहाँ पे देख लीजिए, बाहर के काफी सारे सर्वे इस मिस्ट्रॉप को डाला जा रहा है, इंडियन सर्वे के लिए भी मिस्ट्रॉप बताया जा रहा है कि आ सकता है रिटर्न में। तो देखो इससे रिलेटेड अपडेट आप लोग को कल के वीडियो में यहाँ पे डिटेल्स में देने वाला हूं। पिछले वाले मंथ में मिस्ट्रॉप गेम के अंदर नहीं डाला गया है, तो यहाँ पे चांसेस है कि मिस्ट्रॉप इस मंथ आ सकता है। कल के वीडियो में डिटेल्स में हम बात करने वाले इस वाले टॉपिक के ऊपर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। एनिवर्सरी इवेंट आने वाला हमारे गेम के अंदर बिल्कुल फिर में आपको मैजिक मिलने वाला है, एंड और भी काफी सारे रिवार्ड मिलने वाले हैं जिसके बारे में कल के वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बस टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं सर वीडियो में, बाय गाइस।